नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम डेली करंट अफेयर आपको जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इससे पहले 1 फरवरी 2020 की करंट अफेयर आपको साइड में आई बटन में लिंक में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे 2 फरवरी 2020 करंट अफेयर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर की बात करते हैं, तो पहली भारतीय महिला पेशेवर के फुटबॉल के रूप में जो है एक नाम निकल कर आया है, जिनका नाम है बाला देवी। तो बाला देवी जो है वो पहली भारतीय महिला पेशेवर फुटबॉल जो है वो बनी है। दूसरी करंट अफेयर की बात करें तो भारत कार्बन उत्सर्जन को जो है वो 600 मीट्रिक टन तक जो है वो बढ़ाएगा, तो ये एक लक्ष्य के तौर पर जो है वो निकल कर आया है। बात करते हैं तीसरी करंट अफेयर, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी जो हैं उन्होंने 30 जनवरी 2020 को एक नई पहल डायरेक्ट सीटीओ की जो है वो घोषणा की है। इसकी बात करें तो ये ग्रीन श्रेणी के उद्योगों के तहत काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनको संचालन शुरू करने के लिए सरकार से तेज़ी से मंजूरी प्राप्त करने में सक्षम करेगा। उसके साथ साथ कंपनियों को लाल, नारंगी, हरे और सफ़ेद श्रेणियों में वर्गीकृत भी जो है वो किया गया है, जो उनसे उत्पन्न जो प्रदूषण सूचकांक है उस पर जो है वो आधारित है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात हुई है, तो हाल ही में अभी हेमंत सोरेन जो है वो काफ़ी चर्चा में रहे। आपको वीडियो के मेन कमेंट में, जैसे कि सभी वीडियो में हमें एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, ये बताना है आपको वीडियो के मेन कमेंट में कि हेमंत सोरेन जो है वो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यदि आपको नहीं पता है आप सर्च करके भी जो है वो बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे, बात करते हैं अगली करंट अफेयर, तो हितेश चंद्र अवस्थी जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंतरिम पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के रूप में जो है वो कार्यभार संभाला है और 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं कौन, ओपी सिंह, उनकी जो है ये जगह लेंगे। अवस्थी ने 12 साल तक केंद्रीय जाँच ब्यूरो यानी कि CBI में भी जो है वो सेवा की है और वर्तमान में वे सतर्कता महानिदेशक के पद पर जो है वो तैनात हैं। जून 2021 में जो है वो सेवानिवृत्त होंगे। अगली करंट अफेयर है पांचवी, वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता विद्या बाल जो है उनका जो है वो निधन हो गया है, तो इनसे संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है किससे जो है ये संबंधित थी। अगली करंट अफेयर 6 नंबर है आपकी, कि भारतीय रेलवे ने सभी रोलिंग स्टॉक जो हैं उनको, जिसमें लगभग 3,50,000 कोच और वैगन जो हैं वो शामिल हैं, उसमें 2021 तक RFID टैग लगाने का जो है वो फैसला किया है। RFID टैग जो है वो मूल रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक टैग है जो कि रेडियो तरंगों के माध्यम से RFID रीडर के साथ जानकारी जो है उसका आदान प्रदान जो है वो कर सकता है और RFID परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 2 कार्यों को रेलवे बोर्ड ने कुल 112.96 करोड़ रुपए में मंजूरी भी जो है वो प्रदान की। अगली करंट अफेयर 7 नंबर है, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति जो है वो बन गई है कौन, सुश्री ओ ब्रायन, ये जो है वो इनका नाम है। आगे बात करते हैं तो अगली है, जम्मू और कश्मीर आरक्षण नियम 2005 जो है उसमें संशोधन हुआ है। इसके अंतर्गत है क्या, तो ये पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोगों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की श्रेणी के अंतर्गत जो है वो लाएगा। बात करते हैं अगली की, अगली है नवी रूबीगुला जो है वो राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर के तौर पर जो है वो नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगली और लास्ट करंट अफेयर, इसके अलावा अभी तक वीडियो आपने लाइक ना किया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। लास्ट हमारी करंट अफेयर है, संसद में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2020। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में अगले वित्त वर्ष में आर्थिक जो वृद्धि है उसका 6 से 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है वो पेश किया है। इसने भारत के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो रुझान है उसका विस्तृत विश्लेषण दिया है। सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1.21 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1.39 यानी कि 1.39 करोड़ के साथ लगभग 2.62 करोड़ नई नौकरियाँ जो है वो होंगी। तो इसी के साथ हमारी सारी करंट अफेयर जो है वो समाप्त होती है। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।